नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अभी हमारा जो ये सीज़न चल रहा है वो नवरात्रि का है ना। सभी को पता होगा कि अभी नवरात्रि चल रहा है हम लोग का। तो आज हम सीखेंगे इसी नवरात्रि बेस्ड एक भजन, जिस भजन का नाम है मैं बालक तुम माता शेरा वाली है। और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक बने रहिएगा तभी सीख पाइएगा आप लोग, नहीं तो फिर स्किप कर दीजिएगा या वीडियो को थोड़ा सा देखकर हटा दीजिएगा तो फिर आप लोग सीख नहीं पाइएगा कि कैसे बजता है ना। और इस भजन में जो स्वर यूज़ हो रहा है वो हम लोग अभी बजाएंगे। ओके, ठीक है, जिसका स्वर अभी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार और चीज़ बता दें कि पहले भी वीडियो में हम बताए थे कि मेरे हारमोनियम का जो नोट है वो थोड़ा सा ऊपर है, अप है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। ये हम हर वीडियो में बताते चलते हैं, हर बार आप लोग को बताते हैं कि मेरे वीडियो में मेरे हारमोनियम में हाफ नोट जो है वो ऊपर है। तो उस चीज़ को ध्यान से बस बटन को देख करके सीखिएगा, ठीक है। और लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलिए तो अब हम लोग वीडियोस के तरफ चलते हैं और सबसे पहले इस गाने का आरोह अवरोह देख लेंगे हम लोग। ओके, ठीक है। और जो हम लोग गा रहे हैं वो सी शार्प है, ठीक है। जिस स्केल से हम लोग गा रहे हैं वो सी शार्प है, ठीक। ओके, चलिए पहले हम देखते हैं इस भजन का स्वर। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इसमें क्या क्या स्वर यूज हो रहा है आप लोग देख ही पा रहे होंगे। सा सा शुद्ध, रे रे शुद्ध, ग ग शुद्ध, म मा शुद्ध, प पा शुद्ध, धा शुद्ध, नी कोमल, सा शुद्ध, सा। अब अवरोह में भी वही सेम है, ये तो आरोह था अभी हम गाए थे जो, अब अवरोह। सा शुद्ध हो गया, नी कोमल, धा शुद्ध, पा शुद्ध, मा शुद्ध, गा शुद्ध, रे शुद्ध और सा शुद्ध, सा है ना। तो मैं बालक तुम माता शेरा वाली है हमारा है। और एक बार फिर से बोलेंगे जयकारा शेरा वाली दा। चलिए आप लोग तो बोले होंगे बोल साचे दरबार की जय, है ना। चलिए ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बालक तो माता शेरा वालिए। चलिए इतना सीखते हैं मैं के लिए। मैं के लिए गा। मैं बालक बालक गरे गरे, मैं बालक गरे गरे, मैं बालक। इतना समझ गए तो चलिए अब आगे चलते हैं। मैं बालक तू रेसा, तू माता माता, तू के लिए समझ गए रेसा, तू माता सारे गा, माता शेरा शेरा, रे सा सा। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, वालिए सागरे, वालिए सागरे, वालिए है अटूट, है अटूट, मा है अटूट, है अटूट। थोड़ा सा लास्ट में रुक जा रहे हैं हम लोग, है ना।
मा 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 है टूट। फिर लास्ट में एक और टूट टूट के लिए, टूट है टूट, ये के लिए भी मा ही आएगा, मगर ये नाता नाता रे पा नाता शेरा वालिये शेरा शेरा मगा शेरा वालिये हो गरे सा हो गरे सा हो। इतना समझ गए तो एक बार चलिए एक बार पूरा बजा देते हैं। मैं बा मेरे साथ बजाइएगा, मैं बालक तो माता शेरा वाली है टूट ये नाता शेरा वाली हो। चलिए एक बार हम लोग देखेंगे कोर्ड्स कैसे लग रहा है इसमें स्टार्टिंग में। मैं बालक तो माता शेरा वाली है, शेरा वाली जैसी होगा वैसे यहाँ कोड लग जाएगा। क्या क्या यूज हो रहा है इंग्लिश कोड से हम लोग देखेंगे, तो डी शार्प और एफ शार्प और ए शार्प है ना। शेरा वाली के पास पहले स्टार्टिंग में ऐसे ये यूज होगा, कौन कौन सा, सी शार्प एफ और जी शार्प हमारा यूज होगा जो स्टार्टिंग से होगा। मैं बालक तो माता शेरा वाली पे देखे चेंज हो गया है टूट ये नाता शेरा वाली, सेम वहीं पे फिर आ गया है ना। इतना समझ गया ना, कोड्स भी बता दिए हम, तो एक बार फिर से आप एक बार बजाते हैं। मैं बालक तो माता शेरा वाली है टूट ये नाता शेरा वाली। अब आगे शेरा वाली, अब देखिए शेरा वाली जैसी आ रहा है वो कौन सा कोड लग जा रहा है, एफ शार्प मेजर, तो एफ शार्प ए शार्प और हमारा तार सप्तक वाला सी शार्प। शेरा वाली के लिए गमा पाधा शेरा वाली है मा 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 क्या पाधा पमा गा, लेकिन जल्दी होगा मा पाधा पमा गा शेरा वाली है मा। जोता वाली भी सेम होगा, जोता वाली है माँ गामा पदा पामा गा ये आएगा। शेरा वाली है माँ जोता वाली है माँ मेहरा वाली है माँ मेहरा वाली है, मेहरा वाली के लिए गा सा दा पामा मेहरा वाली है माँ जोता वाली है जो तवालिए जो तवालिए मामा पामा गए रे जो तवालिए माँ के लिए रे गए सा माँ। गा पे थोड़ा सा रुकना रे गए सा माँ, फिर मैं बालक वैसे ही आ जाए। मैं बालक तो माता शेरा वाली है टूटे नाता शेरा वाली। मेरे साथ साथ बजाए होंगे शायद आप लोग, तो नहीं भी अभी अभी तो वीडियो देख रहे होंगे आप लोग, तो इसको देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर बजाइएगा देख देख कर। ओके पहले ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं अंतरे के साथ, अभी तो हमारा मुखड़ा चल रहा था स्थाई जिसको बोलते हैं, तो अब आगे चलते हैं हम लोग अंतरे की तरफ। तेरी ममता, तेरी के लिए तेरी तेरी मगरे सा तेरी ममता ममता नी कोमल, नी कोमल कौन सा
निकुमल जो हमारा मंत्र सप्तक का होता है, ममता ममता मिले ममता, ता के लिए ममता ममता पे पूरा नी नी सा नी। अगर आपको दबाना है दो बार तो दबा दीजिए, नहीं तो फिर ऐसे नी नी सा ममता, नहीं तो उसको ऐसे रखे रहिए ममता उतने टाइम तक। ममता तेरी ममता मिले मिले सागरे मिली, मिली के लिए सागर मिली है मुझको मागा गम कर सा है मुझको तेरी ममता मिली है मुझको। अब आगे तेरा तेरा के लिए सागर तेरा प्यार 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 के लिए रे पा प्यार तेरी ममता मिली है मुझको तेरा प्यार मिला 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 के लिए गामा मिला तेरा प्यार मिला है के लिए है गरे सा गरे सा सेम वही जो स्थाई में था है तेरी ममता। चलिए एक बार पूरा बजाते हैं, ठीक है। तेरी ममता मिली है मुझको तेरा प्यार मिला है तो फिर सेम वैसे तूने बोले तूने साहस तूने ज्ञान दिया है। यहाँ पे चेंज है, देखिए है गम धा पम ग गम धा पम ग तूने बुद्धि। अब आगे तूने बुद्धि गम द दो बार लास्ट में तूने बुद्धि गामा धा पधा धा तूने बुद्धि तूने साहस तूने बुद्धि तूने तूने दूसरा वाला में कैसे है तूने धनी निकोमल तूने साहस धसनी द पम ग साहस के लिए पूरा धसनी द पम ग साहस तूने तूने ग प ध तूने ज्ञान दिया तूने ज्ञान ग प ध सनी द सा तूने ज्ञान दिया तूने ज्ञान दिया मस्तक ऊंचा सा 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 मस्तक ऊंचा करने का तूने ज्ञान दिया। सॉरी थोड़ा सा लिरिक्स पे ध्यान नहीं दीजिएगा। मस्तक ऊंचा करने का तूने ज्ञान दिया है मस्तक ऊंचा करने का निशानी दापा मस्तक ऊंचा एक दो तीन चार पाँच मस्तक ऊंचा के लिए एक दो तीन चार पाँच मस्तक ऊंचा करने का तूने ज्ञान तूने 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 पानी दापा तूने ज्ञान दिया है तूने ज्ञान दिया मादा पम गरे सा ये तूने ज्ञान दिया है रहूं सदा गुण। अब सेम वही स्टार्टिंग वाला रहूं सदा गुण गाता शेरा वाले
एक कोड क्या लग गया फिर से वैसे ही है टूटे नाता शेरवानी हो मैं बालक तो नाता शेरवानी है टूटे नाता शेरवानी। आशा करता हूँ आप लोग ध्यान से देखे होंगे सुने होंगे और कुछ गलतियाँ हुई है मेरे से अभी, जैसे कि फ़ोन आ गया तो उस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिएगा और आप लोग अच्छे से सीखे होंगे। हम आशा करते हैं इस चीज़ को कि आप लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे और धन्यवाद और जय माता दी। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं।